वेलकम टू माय चैनल शो मास्टर। टॉप सिक्स खतरों के खिलाड़ी सीजन नंबर 12। टॉप सिक्स का खबर आ चुकी है। पहले बहुत खबर आ रही थी कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, बहुत सारी खबर ऐसा है कि जिसमें पहला कहा कि प्रतीक बाहर गए, फिर प्रतीक अंदर आए, फैजल बाहर गए, फैजल अंदर आए, क्या हो रहा है कि क्या खतरों के खिलाड़ी के जो खबरी लोग हैं उन लोग कुछ उल्टा उल्टा सुलटा सुलटा सुना रहे, क्या सुना रहे पता नहीं। अब जाके एक खबर आ चुकी है जहाँ पे टॉप सिक्स मिल गए, और ये भी खबर आई है कि रुबीना जिलाइक फिनाले से पहले ही बाहर चली गई, मतलब टॉप फाइव में नहीं है। तो टॉप सिक्स मेरे पास है, टॉप फाइव का पता नहीं कि रुबीना गया है नहीं गया, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बहुत जगह से खबर आ रही कि रुबीना जिलाइक बाहर गई है। तो आपको मैं टॉप सिक्स बता देता हूँ। शॉकिंग है क्योंकि बड़े बड़े नाम इसमें है नहीं। और इनफैक्ट एक और खबर आ चुकी है कि निशान, अभी एक खबर आ चुकी है निशांत भट्ट और राजीव आदित्य को भी बाहर कर दिया शो से, फिनाले से पहले ही निकाल दिया ऐसे बता रहे हैं अभी, पता नहीं क्या है। टॉप सिक्स है, मैं बता देता हूँ। ये मैंने सिक्स जो है ना, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता दिया था कि मेरे घर से लोग ही होने वाला है, और मेरे घर से लोग ही है ज़्यादातर। एक नाम है जन्नत जुबैर, दूसरा है फैजल शेख, तीसरा है रुबीना जिलाइक, चौथा है कनिकमन, पाँचवा है मोहित मलिक, और सिक्स्थ नेम जो है वो तुषार कालिया है। और इसमें रुबीना जिलाइक अभी कहीं बता रहे, तो अभी टॉप फाइव में बता सकता हूँ कि तुषार कालिया, मोहित मलिक, कनिका मन, फैजल शेख और जन्नत जुबैर। और मैंने पहले ही मेरा प्रेडिक्ट कर दिया था कि इसमें जो विनर होगा ये तुषार कालिया या कनिका मन में से कोई ना कोई होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं वर्डिंग नहीं दे रहा हूँ मैं, मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि यही ये करके, मेरे इसमें भरोसा मत करिए जो मैं बोल रहा हूँ कि यही ये करके, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो जा रहा है शो के अकॉर्डिंग, और कौन क्योंकि कलर्स का तुषार कालिया कलर्स का आई थिंक कलर्स का ही मतलब चैनल को जज करते हैं शायद से मेरे ख्याल से, और डांस दीवाने किसमें आए मुझे याद नहीं, आई थिंक कलर्स में ही आया है तो उसमें वही जज कर रहे थे तुषार कालिया। तो तुषार कालिया है, तो कनिका मन भी एक अच्छा फेस है तो जीतने का ज़्यादा चांस है कनिका मन को, और बिना दिलाक मुझे लग रहा था जीतेगी करके, बट कहीं ना कहीं देखो मैं एकदम एक क्लियर एक चीज़ बता देता हूँ। आप लोग बहुत लोग बोलेंगे कि मतलब नहीं क्या फिक्स होता है खतरों के खिलाड़ी, ये होता है वो होता है, फिक्स नहीं होता है खतरों के खिलाड़ी, फिक्स कब होता है पता है, फिनाले में जाके होता है, जब विनर डिसाइड करने का मोमेंट आता है तब जाके फिक्सिंग होता है। और खतरों के खिलाड़ी का एक चीज़ है कि अगर आप पहला जो टास्क आपको जो देते हैं वो अगर आप अबॉर्ट नहीं करते, वो टास्क को अच्छे से करते और निकल जाते ना वो टास्क से, तो इसका मतलब आपको शो से नहीं बाहर निकल सकते हैं। तो आपको जो पहला टास्क देते ना उससे आप करना चाहिए, आपको एलिमिनेशन राउंड में नहीं जाना चाहिए, अगर एलिमिनेशन राउंड में चला गया तो मतलब लोग निकाल देंगे, ये चीज़ हो सकता है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन पहला टास्क करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इसमें हमेशा मैं ये कहता हूँ कि खतरों के खिलाड़ी में ऐसा होता नहीं है फिक्सिंग का होता तो सिर्फ फिनाले में जाके कुछ ना कुछ होता, जो फेवर्स करते हैं किसी ना किसी को, तो अब तो ऑब्वियस उनका शो है तो करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे, इस पर हम लोग को ऑब्जेक्शन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रतीक सचपाल को निकाल दिया, फिक्सिंग है ये है भाई, प्रतीक सचपाल का परफॉर्मेंस भी तो देखो पिछला 3 हफ्तों से सिर्फ ढंग का एक ही परफॉर्म कर पाया बंदे ने, वो भी वो वॉर्म्स और स्नेल रखने का, बाकी तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं उसका टास्क, इलेक्ट्रिक वाला टास्क तो ऐसे ही बैठ गया प्रतीक और राजू, तो ये मत जज करो कि भाई वो अच्छा करते, वो रोहित के रोहित शेट्टी के नज़र में जो अच्छा आएगा ना वो जाएगा ऊपर तक, जो नज़र में अच्छा नहीं आएगा वो नहीं जाएगा, और प्रतीक रोहित के नज़र में नहीं ठीक जा रहा क्योंकि उसके ऑर्डर्स ही नहीं मान रहे थे, तो फिर कैसा जाएगा। तो मुझे तो पहला एक दो हफ्ता देख लेना प्रतीक का गेम तो मैं समझ गया कि प्रतीक नहीं जाएगा 101%। और राजीव भी मुझे लगा कि कॉमेडी फ्लेवर के लिए रखा है, वो भी कहीं ना कहीं बाद में निकल जाएगा जैसा भारतीय सिंह का हुआ था, और बाकी मुझे लग रहा था रुबीना जीतेगी या तो फिर लेकिन अब रुबीना भी जा रही तो फिर बहुत डाउटफुल लगे थे कौन, बट मेरा प्रोडक्शन है तुषार कल्याण, कनिका मन या फिर जनरल जिदर, ये 3 में मेरा दाव है। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।